अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं सी रही थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। ये मैं अभी ये फुल ये जितनी चौड़ाई है कपड़े की, मैंने उतनी ले ली है। ये फोल्ड है कपड़ा, ये है 17 इंच, मतलब कि डबल 17 इंच है। और ये मैं 10 इंच, ये देखें 10 इंच पर मैं ये ले लूँगी, कट कर लूँगी घेर। और लेंथ भी मैंने सीधी कर ली है। और ये थोड़ी ये मैंने उतार लिया। और ये मैं ये मैंने उतार लिया है घेर एक तरफ से। और ये मैं यहाँ से फोल्ड किया मैंने इसको। और ये मैंने ले लिया है 4 इंच, जितना शोल्डर है ना मुझे उतना ही चाहिए। ये मैंने 4 इंच ले लिया इधर से, और इधर भी ये 4 इंच मैंने मार्क लगा लिया। और इधर मैंने 6 इंच पे, और फिर ये गुलाई कर ली इसको, ये मैंने ऐसे कर लिया। अब ये मैंने इधर से ये ले लेती हूँ। ये मैंने गुलाई लेनी है, ये शोल्डर से ले रही हूँ ऊपर से, ये 13 इंच है। ये आ गया। ये मैं तेरह इंच पे मैंने इसको कट कर लिया है। ये हो गया। अब ये हो गया कि घेर ये छोटा होगा तो मैंने फ्रिल लगानी है, और बाजू छोटे से ही बनाऊंगी। और ये इसका ये बनेगा ट्राउज़र इसका। अब इसके पहले बाजू में कट कर लूँ, फ्रिल भी लगानी मुझे। ये आप देखें उसका, ये आयशा जैनब का बना रही हूँ। ये है 13 इंच, और मैं बनाना चाहती हूँ 2-3 इंच की। मैं छोटी सी इधर फ्रिल भी लगाऊंगी ताकि प्यारा सा लगे। और ये इसमें से मैंने फ्रिल भी उतार लेनी है डबल करके। ये देखिए ये फ्रिल है, ये डबल फ्रिल आ गई। और फ्रिल कितनी मुझे लेनी है, ये 3 इंच, ये फ्रिल लूँगी 3 इंच। ये आ गया। ये मैं फ्रिल ले ली, और छोटे से बाजू बनाऊंगी, फ्रिल बाजू बनेंगे ये वाले। ये जितना कपड़ा है ना, ये मैंने फ्रिल के लिए यूज़ कर लिया। और ये देखिए कितना चौड़ाई इसकी कितनी है, ये 4 इंच है, सीधा कर लूँगी 4 इंच। और फिर ये बाजू है, और ये इसका ट्राउज़र भी बन गया भाई। ये ट्राउज़र है इसका, इतना चौड़ा तो नहीं बनाऊंगी। अब ये मैं देख रही हूँ पूरा इसका सूट बन गया। इसमें से ये देखिए 15 है, बस इतना ही बनाऊंगी। 15 फोल्ड होके ये 1.5 इंच फोल्ड हो जाएगा, 13 इंच तैयार हो जाएगी। और ये मैं इधर से ले लेती हूँ ना, ये देखिए मैं थोड़ा सा कपड़ा बचा लूँगी। ये देखिए ये मैंने ये ले लिया। और राशन तो आपको पता ही है कितना लेना है हमने। ये मैं आयशा जैनब का 9 इंच, आप तो आपको याद हो गया होगा, 9 इंच लेती हूँ। ये 9 इंच है,
और आधा मार के ये आधा छोड़ा ये आ गया ऐसे ये यहाँ से ये हमने ट्राउजर भी कट कर लिया ये 9 इंच है और थोड़ा सा मार्जिन भी लिया हमने ये आ गया ये ट्राउजर हो गया ये जो है ये बाजू है और ये फ्रिल है और ये अब हम सियेंगे अभी सियेंगे तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी ये है गला मैंने कट कर लिया था ये देखें इधर से 1.5 इंच है और इधर से 1.25 इंच बैक का और 3 इंच फ्रंट का ये मैंने गला कट कर लिया। अब इधर से मैं बटन से एक पट्टी बनाऊंगी छोटी सी ये अब आपको दिखा रही हूँ मैं ये 2.5 इंच जितनी मैंने कट कर लिया। अभी मैं शोल्डर जोड़ लूँगी फिर गले की और ये पट्टी लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने ये जो बैक में कट किया है इसको सिलाई करूँगी ऐसे करके फिर शोल्डर जोड़ूंगी फिर शोल्डर जोड़ के गले की पट्टी लगा के आपको अभी दिखा रही हूँ मैं ये गले की पट्टी मैंने कट की है और ये सिलाई लगाने लगी हूँ। हाँ जी ये देखें मैंने इसको तुरपाई की है मशीन से लेसी ये देखें पट्टी तो मैंने आपके सामने लगाई है और ये देखें इसका बनाने का तरीका यही है ये देखें माशाल्लाह प्यारी सी कुर्सी बन गई है। अभी मैंने इसको ये शोल्डर सीऊंगी दोनों के अभी ये शोल्डर सी ऐसे करके अब मैं बाजू पर लगाने लगी हूँ पूरे पट्टी लगाऊंगी आपने सीधी पट्टी नहीं लगानी बाजू पे ये ऐसे हर चीज़ की खींच के लगानी हमने पाइपिंग खोल दी हल्का सा ज़्यादा नहीं खींचनी आपको क्योंकि ये फ्राक भी जो है ना हमें वो ये भी कट्टी है ये जो मैंने कोई थी इसको दूसरी तरफ ये लगा ये मैं इस तरफ
पहले ही खा ली। अब मैं इसको पहले कच्चा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये लून बढ़िया करके मैं लून डाल दूँगी। इसी तरह मैं दूसरे पे डबल डबल लगाऊंगी लून बढ़िया, जैसे ये लगाया इसी तरह। फिर मैं जी ये देखिए डबल जी मैंने लून बढ़िया लगा लिया। अब मैं ये बढ़िया हटो आगे मुझे हाँ जी। अब मैंने ये जूम कैच ली और इस तरफ ये फ्रंट है, फ्रंट वाला है, और इस पर मैंने ये लगाने लगी हूँ। ये ऐसे करके चल ये मैंने ये इतना बच्चे मैंने कर दिया। और ये एक फ्री लगी है और दूसरी भी मैंने इसी तरह लगानी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लगी है फ्री ये, तो अभी दूसरी भी लगाती हूँ मैं आपको दिखा। अब मैं ये पे गले पे पाइपिंग लगा रही हूँ। ये अब लग गई बड़े को पाइपिंग। अब यही तो अब ये मैंने आगे देख लें कि मैंने जो पाइपिंग की ना उसको मैंने गले की पाइपिंग गिरी थी उसको मैंने मैं वो कच्चा कर लेती हूँ, फिर जल्दी से ऊपर से सिलाई लगा लेती हूँ। ये अब ये जो नेल सीखने वाली हम कभी डायरेक्ट पाइपिंग को फोल्ड नहीं करें कभी। ये गले की पाइपिंग के लिए सिलाई लगा दी। अब इसको मैंने ये मैंने फोल्ड करके लूप बना लूँगी पीछे बटन लगा के, ताकि हम इस डोंगी से लूप का काम लें। चलिए आपको ये देखेंगे गले की, ये गले की पाइपिंग लगती है आपको नजर आ रही होगी ये देखिए। और ये जो पीछे है ना मैंने ये लूप बना ली है, ये देखिए इसको मैं अब फिर ऐसे कर लूँगी ताकि ये लूप का काम करेंगे। देखिए ऐसे सही है। और ये फ्रिल भी लग गई। अब जो मैंने ना ये ऐसे करके ये जो बाजू की फ्रिल है ना ये मैंने
ये मुझे इधर बाजू के इधर लगाना है, मार्क लगा लूँगी ना ताकि ये देखिए जी ऐसे ऐसे लगेगी। अभी लगा के आपको दिखाती हूँ जी, सही है ग्यारह। अच्छा जी, अब मैं इस फ्रिल पे चुन डाल रही हूँ लूज बखिया करके, ये नीचे किया ये। अभी लगा के आपको उस पर भी दिखा रही हूँ।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये कंप्लीट हो गया है मैंने आयशा जैनब का ये फ्रॉक सिया है, ये उरेब मैंने सिया है। जैसे ये था सत्रह इंच का चौड़ाई में और 17 इंच लंबाई में ये 2 पीस थे, और उनको मैंने फोल्ड किया और फिर मैंने ये ऊपर शोल्डर से 4 इंच और क्राउन लाइन 4 इंच ऐसे लेके मैंने ये बनाया था। अब आपको पसंद आएगा। ये मैंने फ्रिल लगाई है छोटी सी मुन्नी सी ऊपर, ये देखें, ये नीचे फ्रिल लगाई है मैंने, बस हल्की हल्की लगाई है। उसमें जो मैंने पीस लिया था 17 इंच का, उसमें इतना ही कटा था, फिर मैंने ये फ्रिल 3.5 इंच की नीचे लगानी पड़ी मुझे ताकि थोड़ा लंबा हो जाए। और ये ट्राउज़र है इसका, ये भी 14 इंच तैयार है, ये फ्रॉक भी 14 इंच तैयार है, और ये ट्राउज़र भी जो है ना, ये ट्राउज़र भी 14 इंच का है। और मैंने दूसरे कलर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यही कलर फ्रिल के लिए भी लगाया और नीचे फ्रिल भी लगाई, दूसरा लगाती मगर मेरे पास कपड़ा था ये बहुत, तो इसलिए मैंने कहा एक ही कलर का बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा ये अम्ब्रेला कट, ये आपको। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। रमज़ान की बरकतें हम सब पे, अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें बरसाए हम सब पर, और आप पर अपनी रहमतें करें, और हमें मुझे भी दुआओं में याद रखें, और मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।